तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का गेमर फ्लीट के एकदम नए मीम रिएक्शन वीडियो में। और भाई आज हम लोग करने वाले हैं मीम रिएक्शन विद अ न्यू गेस्ट बोलेंगे या फिर वैसे होस्ट विद अ न्यू होस्ट। जैसे होता ना मच्छर ऐसे तुम्हारे हाथ पे बैठ जाता तो उसको होस्ट बोलते हैं। आज हमारे साथ है वापिस से हमारी तेरे पिज्जे बर्गर बंद करने पड़ेंगे भाई, भारी हो गई बहुत ज्यादा। देख रहे हो ड्रामा देख रहे हो। तो गाइस यार आज हम लोग करने वाले हैं कुछ मस्त मीम्स पे रिएक्ट। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा देना, जो भी नया चले सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और लेट्स गो गाइस, देखते हैं कुछ बढ़िया मस्त मीम्स चला दी जाए। एक मिनट मेरे को चलानी पड़ेगी। चलो अबे चलो मतलब मीम्स देखेंगे भाई। ओए ओए अब तो मोटा मोटा ये बताओ कितनी इनकम है तुम्हारी सेविंग की बचत की? नहीं यार भाई ये मीम्स, ये देखो यार भाई मुझे रोकनी पड़ी भाई, ये मीम्स मैं बता रहा हूँ भाई, ये मैंने देखी हुई है भाई, ये कुछ ज्यादा भाई ऐसे दुख होता है ना भाई कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में भाई। जब टपरी अपरी वाला अपनी वो बताता है इनकम भाई वो छोड़ो, मैं मुंबई गया हुआ था, तेरे को याद है वो मुंबई तू नहीं थी ना भाई, मैं मुंबई गया हुआ था वहां पर एक जूस का स्टॉल था, एक दुकान थी प्रॉपर बट वो जूस का स्टॉल था भाई, उसने ना ऐसे कर रखा था खोल रखा था एक स्क्रीन में कि कौन यूपीआई करके, 2 बजे सुबह के 10 बजे खोली उसने दुकान, दिन के 2 बजे तक का उसका 86,000 रुपीज का सिर्फ यूपीआई था, सिर्फ यूपीआई। और शाम को तो लोग ज्यादा आते हैं भाई, भाई वो जितना हम महीने का कमाते हैं वो भाई दिन का कमा रहा था, वो भी 8 घंटे के अंदर भाई, ये नेक्स्ट लेवल होता है भाई। हाँ तेरे को एक जूस की दुकान खोल के दूंगा फिर दीदी और मैं दोनों जूस बेचेंगे जिम के बाहर भाई, जो आएगा उसको जूस बेचेंगे हम दोनों, बहुत बढ़िया। 1,800 मान लो, पता क्यों बचत के तुम्हारे बचत के, अगर आगे तुम टाइम से खोलो फिर टाइम से 1,500 पकड़े चले है ना, मतलब 45,000 कितने भाई ने 45,000 महीना तुम कितना कमा रहे हो भाई? भाई मुझे भी याद है मैंने भी 8,000 रुपए की नौकरी कर रखी है भाई, इतना बुरा लगता था ना भाई मेरे को। एक बार ऑटो वाले ने सुनाया था कि मैं भाई यहाँ पर जब कमा रहा हूँ 20-30,000 रुपए, ये क्या नौकरी कर रहे हो तुम भाई, इतनी बेइज्जती लगी थी ना जब बता नहीं सकता भाई। इंटर्न्स को तो लूट रखा है भाई, पूरा लूट रखा है मैं बता रहा हूँ भाई। इससे बड़े तो तुम ही दे दो, मतलब तुम ही दे दो। अच्छा हमें यहाँ ले लो यार, मेरे से रख लो, मुझे ही रख लो भाई तुम। भाई उस बंदे की शक्ल देखो एक बार, वो देखो। अगली मीम हम लोग जेठालाल वाली, भाई जेठालाल जहाँ दिख जाए वो भाई मीम बढ़िया ही होगी गारंटीड भाई। भाई बबीता जी भी आ गई मीम में भाई, बेस्ट मीम है ये, लिख के ले लो। बबीता जी क्या पूरा गोकुल धाम को मैं अपना मानता हूँ, पर वो सब भी मुझे अपना मानते हैं, एक तू ही है जो मुझे अपना नहीं मानता, अपना दुश्मन समझता है। नहीं नहीं जेठा भाई ऐसा अच्छी बात नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके आई थिंक अच्छा उस अमंगस वाली सस वाली मीम आ गई और वहाँ पे रेनबो फ्लैग भी। ओके ये मीम हमने देखा ही नहीं, मतलब आप मान लो। ओहो दीदी तू ये बंदी को जानती है? ये भाई बहुत कितनी पॉपुलर हो गई भाई ये बंदी, इसके बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गई यार। क्या पॉपुलर हुई है भाई, मेरे को नाम भी नहीं पता है बट ये मैंने देखी हुई है भाई हर जगह, मेरे को इंस्टाग्राम पे रीले शेयर हो रही है भाई, करा क्या है इसने मेरे को देखना है सच्ची में भाई। थोड़ा क्या है ये? अलग है, पापा का श्राद्ध ब्लॉग है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। बाय द वे इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सिर्फ लंच ही कर सकते एक ही
ही मील खा सकते हैं। तो मैं साहिल के पास ये लंच लेकर गई थी, तो लेट्स ओपन इट और मम्मी ने देखते क्या पैक किया है। और इसमें मम्मी ने पैक किया था मेथी के पराठे और आलू की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। Obviously it was 10 on 10 for me because मम्मा ने बनाया और ये मेरे फेवरेट है। उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे और मैंने ये ड्रिंक चूज करी थी, बट ये थे नहीं, तो मुझे पिंक लेमनेड पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। आई रेट इट 2 out of 10। इट वॉज अरे भाई ये पापा का श्राद्ध है या फिर वेकेशन मना रहे हैं लोग भाई। वही मैं नीचे देख ही रहा हूँ, लेकिन भाई माचा ओटमील उसके बाद मेथी के पराठे फिर जूस वूस ठीक है, मतलब भाई ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें फिर ऐसा थोड़ा होता है कि तुम्हें ऐसे सर पकड़ के बैठ गए उस दिन, बट किसी दूसरे दिन भी हो सकता था ये काम, तो उस दिन जरूरी थोड़ा था, पूजा दिखा देते है ना पंडित जी के साथ बैठ के, तो चले हम कौन होते हैं भाई किसी और की लाइफ, वो जो करना है करो भाई थोड़ा। हाँ और थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंट हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अब हमें क्या ही करना है भाई। आओ अगला देखते हैं भाई क्या है। बहन ने पोस्ट डाली थी कमेंट में एडोरेबल की जगह अफोर्डेबल लिख दिया। क्या कर रहा है भाई, तुमने ऐसा क्यों किया भैया? मैंने कोई गलत थोड़ी किया, कुछ किया ही नहीं। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? अरे बुढ़िया मेरी बात सुनो बुढ़िया। माँ माँ मैं तुमको समझाता हूँ, कसम खाता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी कसम। बस मैंने करता है तो माँ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप खामा खाम। भाई कितनी गलत चीज है, सोचो किसी के कमेंट में जाके अफोर्डेबल लिखना, अडोरेबल। रुको यार दीदी के कमेंट बॉक्स में अभी जाके लिखता हूँ अफोर्डेबल। ओ इसमें तो भाई, अरे इसमें तो भाई बढ़िया बढ़िया बंदे हैं सारे। रुक जा मैं कितनों को जानता हूँ, ये तो वो हो गया बॉयज में से, वो हो गया क्या कहते जो क्या था उसका नाम यार मैं भूल गया, मैंने पूरे सीजन देखे मैं नाम ही भूले। होमलैंडर हो गया, ये तो अपने पुनीत सुपरस्टार हो गया भाई, जहाँ दिखे हाथ जोड़ो ठीक है। उसके बाद ये मीम भी देखी मैंने, फिर ये तो घोस्ट हो गए अपने भाई कॉल ऑफ ड्यूटी, ये तो साइमन भाई हो गए अपने। लेट्स सी क्या है ये, मी एंड माय होमीज लिसनिंग टू ड्राइवर अंकल प्लेलिस्ट। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। रुको रुको भाई एडिटर, मेरे को नहीं पता भाई तेरे को कितना टाइम लगेगा, लेकिन कर दे प्लीज भाई, यार प्लीज भाई हम दोनों को इस बस में बैठा दे। रमी मैं यूजिंग माय मॉम्स ईमेल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, ईमेल ऑलरेडी अरे हाँ गाइस मैंने एक बार बचपन में ऐसे ही करा था, मैंने मम्मी का ईमेल अकाउंट डाला था उसमें, एक अडॉप्ट अ चाइल्ड करके एक वेबसाइट थी उसमें, तो उसमें लिखा रहा था ईमेल ऑलरेडी इन यूज। दीदी सच बताऊं मैं तो पहले हो गई थी, तो मेरे तो सारी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ है, सच हो गया, सच का खुलासा है, मम्मी से पूछना। मम्मी मेरे को कौन लिया था क्या? ओ घूम का के आइए, तू कर सकता है ऐसे? नहीं चलवा दू अपनी पेन भाई, ये क्या है? ओ ये ट्रांजिशन मीम हो, मतलब वो कुछ होगा रियल। बट लेकिन लास्ट में जो दिखाना है तो मुझे फिर हंसी आ गई, सॉरी जी यार अंदर से ठोकना। ऐसा क्या हुआ होगा भाई किसी बंदे के साथ जो इतना टूट के बैठा हुआ है, वो देख रहे तुम लोग और पब्लिक में, क्योंकि हम लड़कों को भाई बनाया ऐसा जाता है बचपन से कि हम कहीं पे ही बैठो चाहे कितना ही बुरा टाइम चल रहा हो हम ऐसे खड़े होते भाई, ऐसे तुम समझ रहे हो हम ऐसे रहते भाई ऐसे, चाहे कितना ही बुरा टाइम और कैसे आप, अरे मैं बढ़िया आप बताओ भाई, अगर बंदा ऐसे बैठा हुआ है ना वो भी पब्लिक जगह पे फिर तो समझ जाओ कुछ तो सीन है भाई। बताइए क्या हुआ आपके साथ? दुबारा रात को जो पोले गया, अच्छा एक पोसी भर में पिया, अच्छा उसके बाद मैं सो गया। हाँ। पैसा कौन सा रखा था? हाँ। मैं पैसा चोरी नहीं हुआ है। हाँ। मेरे को पौवा चोरी चोरी पौवा चोरी हो गया।
ये समस्या है। कितने का था वो पौवा? 120 का गोवा का। 120 रुपए का गोवा का पौवा आपका चोरी हुआ है, ये बात हम आबकारी मंत्री तक लेकर जाएं? क्या है ना पड़ेगा, हमें कभी सफेद मंगाना पड़ेगा। पहली बार हुई है किसके पूर्व में भी घट चुकी घटना? नहीं पहली बार, ऐसा घटना पहली बार। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है ये तो। क्या इसके लिए आप धरना देंगे? मैं अभी यहाँ बैठ जाता हूँ। भाई वो बंदा वो मजाक भी नहीं कर रहा है भाई, वो सीरियस है कि मेरी जेब से मेरे पैसे नहीं गए बट मेरा पौवा चले गया भाई। भाई वो तैयार है भाई, वो कह रहा है मंत्री तक ले जाऊंगा ये बात में किसने चोरी करा है बल मेरा पड़ेगा। और उसके बाद वो कह रहा है अब नया लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ये देखो हमें क्या लिखा है, हमें करीब से फिर मंगाना पड़ेगा। लेकिन बंदी आई भाई, नहीं भाई घर में जाके बीवी मारेगी भाई, मेरे को नहीं खिंचवानी फोटो। घर में जाके बीवी चार गाली सुनाएगी और खाना भी नहीं देगी भाई, मैं मेरे को नहीं खिंचवानी फोटो भाई। द बॉयज लेट डैम ब्रो सैवेज है भाई। तो गाइस यार अगर तुम लोगों को आज की मीम पसंद आई तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करना, और तुम लोग कमेंट में बताना तुम्हारी फेवरेट मीम कौन सी थी मेरी दीदी की शक्ल को छोड़ के। कैमरा बंद करने का टाइम है। तो गाइस यार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब एंड कमेंट। चल बंद करो, बाय बाय। नहीं नहीं सारी दीदी, सारी दीदी। Thank you.